मैंने जो पुलिस कस्टडी में उनका अरसा गुजरा है या टाइम गुजरा है, मैंने उसकी पूरी तस्दीक की है। मैं पूरी जिम्मेदारी से एज इंचार्ज मिनिस्टर मैं इस बात को इंश्योर करता हूँ कि उस दौरान जो है वो कतन ना उनके ऊपर कोई तशद्दुद किया गया, ना जहनी ना जिस्मानी, और उन्हें वक्त पे खाना भी दिया गया, क्योंकि उनको कोई ना मिलने आया ना किसी ने उनको कोई जो है वो खाना वगैरह भेजा। बल्कि अब ये बात करने वाली नहीं है कि उन्होंने किसी को फ़ोन करके कहा कि मुझे कपड़े भिजवा दें, तो पुलिस ने कोशिश की कि वो कपड़े ले आए, तो वो अपने कपड़े जो है वो तब्दील कर लें, तो वो भी नहीं आया। तो उस दौरान कोई उनके साथ जो है वो बदसलूकी नहीं हुई। ये सब ड्रामा है, ये मकरू फरेब है, और मैं अदालत से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका इलाज जो है, इस मकरू फरेब की बीमारी का इलाज जो है ना पिम हॉस्पिटल में है ना डॉक्टरों के पास है, इसका इलाज जो है वो मेरे पास है। इमरान खान उस बयानिए को जो उन्होंने जो है वो शहदा के ख़िलाफ़ एक उन्होंने जो है वो एक ऐसी बात की जिसको पूरी कौम ने कंडेम किया, और पहली मरतबा सब ने देखा कि पॉलिटिकली जो है ये पार्टी भी और इमरान खान ख़ुद भी जो है वो डैमेज हुआ। उन्होंने ये शहबाज गिल के जो है वो तशद्दुद की कहानी जो है ये गढ़ी है, ये एक ड्रामा है, ये मकरो फरेब है, ये झूठ है। आप मिनिस्ट्री से और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से इस बारे में राय ले रहे हैं कि कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इसकी इस तकरीर के ऊपर अलग-अलग मुकदमा दर्ज होना चाहिए या इस तकरीर को उसी मुकदमे का हिस्सा बना